4 अगस्त 2019 यानी कि फ्रेंडशिप डे। हिंदी फिल्मों में दोस्ती हमेशा से ही एक हिट फॉर्मूला रहा है। दौर कोई भी रहा, फिल्मकारों ने दोस्ती बुनाई। फिल्मों में दोस्ती का रिश्ता कई बार खून के रिश्ते से भी गाढ़ा दिखाया गया है। हम फिल्मों के बहुत पीछे के पन्नों के बारे में नहीं बात करेंगे, इतना पीछे नहीं जाएंगे। हम सिर्फ 21वीं सदी की उन बेहतरीन 5 फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो दोस्ती के ताने बाने पर बुनाई गई हैं। दर्शकों को ऐसी फिल्में पसंद आती रही हैं। इसकी वजह साफ है, दोस्ती की इन फिल्मों से दर्शक खुद को आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। जिन किरदारों को वो पर्दे पर साकार होते हुए देख रहे होते हैं वो कुछ वैसे ही किरदार होते हैं जो वो खुद की जिंदगी में होते हैं। कई बार वो खुद को ही फिल्म का हीरो मान बैठते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्ती पर बनी और सफल रही फिल्मों के बारे में। दिल चाहता है 2001 में रिलीज हुई फरहान अख्तर निर्देशित ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी जाती है। फिल्म का कैनवास दोस्तों के सपनों के साथ उनकी आंतरिक टकरावों पर भी फोकस करता है। फिल्म दिखाती है कि विचारों के अंतर होने के बाद भी ये दोस्त एक दूसरे का नजरिया समझने का प्रयास करते हैं, अपना खुद का नजरिया पीछे करके। इस फिल्म में 3 दोस्तों की भूमिका आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना ने निभाई थी। रंग दे बसंती, राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित ये फिल्म भी दोस्तों की कहानी की शानदार तरीके से दिखाए जाने वाली फिल्म है। देश प्रेम और दोस्ती के पुट के साथ दिल्ली वीवी के 5 छात्र अपनी सामाजिक जवाबदेही निभाते हुए किस तरह से देश की सुर्खियां बन जाते हैं, ये फिल्म इसी विषय पर फोकस करती है। आजादी के बैकग्राउंड से जोड़कर बनाई गई ये एक अद्भुत फिल्म है। अलग अलग सामाजिक और आर्थिक वर्ग से आने वाले ये दोस्त एक सपने के साथ आगे बढ़ते हैं और टीम बनाकर उसे पूरा करते हैं। आमिर खान की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में शर्मन जोशी, माधवन, सिद्धार्थ और अतुल कुलकर्णी ने मुख्य भूमिका निभाई। 3 इडियट्स, दोस्ती और विचारधारा के बदलाव की उम्दा कहानी कहती है 3 इडियट्स। राजकुमार हिरानी निर्देशित इस फिल्म में एक बार फिर आमिर केंद्रीय भूमिका में होते हैं। उनके साथ काम करने वाले कलाकारों की जोड़ी थी रंग दे बसंती वाली ही, वही सेम जोड़ी होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज के बैकग्राउंड पर बनी ये फिल्म शिक्षा पद्धति पर बदलावों पर खुला विमर्श करती है। इस फिल्म में 3 दोस्त अलग अलग तरह की मानसिकताओं और प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी विचारधारा को शिक्षा और रोजगार से जोड़कर देखा जाता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दोस्ती की कहानी कुछ अलग ढंग से कहती है। कहीं कहीं दार्शनिक हो गई ये फिल्म जीवन में दोस्ती के महत्व को अंडरलाइन करती हुई दिखाई देती है। ये फिल्म बताती है कि जीवन में खुद से बात करना, अपने सपनों से बात करना और अपने दोस्तों से बात करना कितना जरूरी है। फिल्म में फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल ने मुख्य भूमिका निभाई है। आखिर में है काय पोचे। दोस्ती की फिल्मों में अभिषेक कपूर निर्देशित काय पोचे दोस्ती में अपने सपनों के साथ टकरावों की कहानी कहती है, लेकिन ये टकराव कहीं भी इतने बड़े नहीं होते कि वो पूरी दोस्ती को प्रभावित कर दें। यहाँ 3 दोस्त अलग अलग सोच वाले होते हैं, बावजूद इसके वो एक दूसरे से ज्यादा खुद को ज्यादा पसंद करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत और राजकुमार राव ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। तो दोस्तों ये थी मेरी 5 लिस्ट की, एक मैंने कुछ एनालाइज करके ये पूरी लिस्ट बनाई थी, लेकिन आपकी भी कोई अलग लिस्ट हो सकती है कि आप कहें कि कोई और लिस्ट हो सकता है, आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर पसंद आई हो या फिर जो जीता है वही सिकंदर। लेकिन मैंने बताया कि मैं ज्यादा पुराने पन्नों पर नहीं जाऊंगा, हाल ही में जो मतलब कि 21वीं सदी की बात करूंगा। तो अगर आपको भी कोई लगती है कि मैंने कोई फिल्म मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंडशिप डे है, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे मनाएं और मस्त रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।